ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग के बारे में, यानी ये दो ऐसी समायोजनाएं हैं जिनको देखना बहुत ही आपके लिए आवश्यक है। जब आप फाइनल अकाउंट लगाते हैं तो ये दोनों समायोजन मेनली तौर पर आते ही आते हैं। तो इसका एंट्री क्या होगा, यही आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की, यानी जिसको बोलते हैं पूर्वदत्त व्यय। ये ऐसे व्यय होते हैं जिनको हम लोग खर्च तो नहीं किए हैं, भुगतान पहले से ही कर देते हैं। यानी ये ऐसा खर्च है, यानी जो हम पैसा एडवांस में किसी को दे देते हैं और उससे काम नहीं कराते हैं, तो ऐसे खर्चे को पूर्वदत्त व्यय यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी एंट्री के बारे में। देखिए, ये जिस खातों से मतलब खर्चों से रिलेटेड रहता है उसमें से जाके होता है इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि पैसा पहले से दे दिया है तो ये जिस खर्चे से रिलेटेड रहेगा तो उसमें से ये माइनस कर देंगे। और इसका दूसरा एंट्री जो होता है वो होता है हमारा एसेट साइड में। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग कोई किसी का सैलरी है, एडवांस पनी पहले से दे चुके हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सैलरी जहां भी रहेगा तो वहां माइनस का साइन लगाएंगे, लिखेंगे प्रीपेड सैलरी और माइनस करके उसका अमाउंट बाहर कॉलम में लिख देंगे। अब बात करते हैं दूसरे एंट्री, ये लिखते हैं एसेट साइड में। तो एसेट साइड में जाकर प्रीपेड सैलरी नाम करके जितना उसका अमाउंट है उसको हम लोग लिख देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। अब देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अदत्त व्यय के नाम से जाना जाता है। यानी देखिए, ये ऐसे खर्चे होते हैं, यानी दूसरे से हम लोग काम करा लिए हैं लेकिन उसको पैसा हम लोग अभी नहीं दिए हैं। जैसे मान लीजिए कोई मजदूर हमारे यहाँ काम कर रहा है, उससे काम करा लिए लेकिन उसको पैसा भी नहीं दिए हैं, तो ऐसे व्यय कहलाएंगे अदत्त व्यय, यानी इसका पेमेंट हमको भविष्य में करना है। तो अब इसकी एंट्री अगर समायोजन में दिया हो तो कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले ये जिस खर्चों से संबंधित रहता है उसमें जाके जोड़ देते हैं। यानी कोई मजदूर है, उसको हम लोग मजदूरी नहीं दिए, तो वहां पर जाकर जितने, यानी 100 रुपए अगर नहीं दिए तो मजदूरी में जाएंगे और 100 रुपए ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। अब इसकी दूसरी एंट्री क्या कर देते हैं, देखिए जो आउटस्टैंडिंग है यानी हमको देना है, ये हमारी लायबिलिटीज बनती है, तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस रहते हैं उसको लायबिलिटीज में जाकर यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से लिख देंगे लायबिलिटीज साइड में, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो लाल वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए रेगुलर बनाकर लेकर आते रहें।